सीट जीती थी, मैं उनका आंकड़ा आपके सामने बता देना चाहता हूं। ममता बनर्जी ने 211 सीटें जीती थी। 211 बहुत बड़ा कांड हुआ है। 30-40 सीटें ऐसी थीं जो हमारी जानकारी में हुई, और ये बात संघ के लोगों ने बताई जो संघ के कट्टर समर्थक थे कि मोदी तो ऐसे ना थे, मोदी से भी संघ नाराज हो चला है। बड़े ऐठे ऐठे से लगते हैं हमारे गृह मंत्री साहब। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बड़े ऐठे ऐठे से, बड़े गैठे गैठे से, बड़े सैठे सैठे से लगते हैं जब बंगाल चुनाव की बात करते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जिनकी नाक वगैरह पता नहीं क्या क्या लोग उनको बोलते हैं, क्या क्या उनको उपाधियां देते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। बात करना चाहूंगा बंगाल चुनावों के बारे में। बंगाल चुनाव के बारे में बात करने से पहले एक सवाल तो बनता है। सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिल्कुल 0% पर है, दो सीटें थीं। मैं आपको आंकड़े पढ़कर के बता सकता हूँ कि 2016 में जब स्थिति थी तो तृणमूल कांग्रेस अपने प्रवास पर थी। अब तो और प्रवास पर है क्योंकि ममता बनर्जी ने वो हिम्मत दिखाई थी। याद होगा वो कांड जब केंद्र सरकार ने परेशान करने के लिए काफ़ी सारे ऑफिसर भेजे थे, उनको गिरफ्तार करा लिया था ममता बनर्जी ने, याद होगा। तो ममता बनर्जी एक ऐसी बिरली नेता हैं जो कांग्रेस से ही उत्पन्न हुई और कांग्रेस की बीमारी से ही अलग हुई। यार इसको तो मानने में मुझे कोई बुराई मतलब कोई शर्मिंदगी है नहीं। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी ने अपनी एक नई पार्टी बनाकर के शुरुआत की और राजीव गांधी की प्रोडक्ट थी, राजीव गांधी इनको लेकर के आए थे सब जानते हैं, और अधिकतर नेता कांग्रेस से ही निकले हुए हैं और उपेक्षाओं का शिकार हैं, उन उपेक्षाओं का शिकार हैं जिन उपेक्षाओं की वजह से आज कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं। उन उपेक्षाओं के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं अमित शाह के उस सपने की, जिस सपने को वो अपने ख्यालों में जी रहे हैं। मतलब ख्यालों में जीना अच्छा है, मोदी जी भी और मोदी मीडिया भी इन्हीं ख्यालों में मतलब जी रहा है। मेरी तो दाढ़ी है क्या? दाढ़ी नहीं है, चलिए छोड़िए। पश्चिम बंगाल के चुनावों में टोटल सीटें हैं 295, एक एग्लो इंडियन के लिए रख दी जाती है। 294 सीटें जो होती हैं बाकी की पार्टियों के लिए लड़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं, एक सीट निर्वाचित होती है। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, जरूरी है ईवीएम के सारे पता नहीं क्या कांड हो जाए। कांड तो बिहार में भी हुआ, काफ़ी बिहार के लोग मुझसे मिले चुनाव के दौरान। मैंने पूछा कि सर बहुत बड़ा कांड हुआ है, 30-40 सीटें ऐसी थीं जो हमारी जानकारी में हुई, और ये बात संघ के लोगों ने बताई जो संघ के कट्टर समर्थक थे कि मोदी तो ऐसे ना थे, मोदी से भी संघ नाराज हो चला है। ये अलग वीडियो हो सकता है यार, इसको दिल पे मत लेना। अंदर की बातें बहुत आ जाती हैं क्योंकि संघ के लोग भी हमको प्यार करते हैं, कांग्रेस के लोग भी हमको प्यार करते हैं, देश के वो सारे लोग प्यार करते हैं जो लोकतंत्र के संविधान में अपनी आस्था रखते हैं। तो अब बंगाल चुनाव के बारे में बात करते हैं, अमित शाह के उस दावे के बारे में बात करते हैं जिसमें बोलते हैं बंगाल चुनाव में ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन बंगाल चुनाव में क्या करेंगे ये लोग? ये लोग केवल आग लगाएंगे बंगाल में और इसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ मेजॉरिटी जो है ममता बनर्जी की है और वहाँ हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिक्स चलती ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ममता बनर्जी ने 2016 में 294 सीटों में से जो सीट जीती थी, मैं उनका आंकड़ा आपके सामने बता देना चाहता हूँ। ममता बनर्जी ने 211 सीटें जीती थी, 211, और अब जीतेंगी 294 में से 94। अब यहां कुछ टट्टू आ जाते हैं, टट्टू मतलब किसी नेता का नाम नहीं है, कुछ लोग आ जाते हैं हिस्सेदारी मांगने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी ने उनके लिए 15 सीट रख दी हैं। और आने वाले टाइम में अमित शाह का सपना शीशे की तरह टूट जाएगा, फिर गाना याद आएगा, शीशा हो या दिल हो आके टूट जाता है। फिल्म का गाना है, कौन सी फिल्म का गाना है, जितेंद्र की फिल्म थी, रीना राणे गाना गाया था ये, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, सपने टूट जाते हैं। अमित शाह साहब जिस तरह की आग लगाने के लिए आप रास बिहारी बोस के
उस राज्य में गए हो जिस राज्य में आपने उस शहीद का बहुत फायदा उठाया, पूरे हिंदुस्तान में वहां हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के नाम पर बंटवारा नहीं होता है, वहां पश्चिम बंगाल के नाम पर बंटवारा होता है। और ममता बनर्जी ने जिस तरह का अदम्य साहस पॉलिटिकली दिखाया है, और कांग्रेस वहां बहुत पीछे पिछड़ गई एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, ममता बनर्जी के लिए पूरा फील्ड खाली कर दिया गया। कोई तो होगा वो साजन जो ममता बनर्जी पर विश्वास करता होगा, कोई तो होगा जो ममता बनर्जी को संविधान का रक्षक समझता होगा। देखते जाइए अमित शाह साहब क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला। आपके वोट प्रतिशत में बता दूं और स्विंग बता दूं, आईएनसी और तृणमूल कांग्रेस लड़ते हुए नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तीसरे चौथे नंबर पर निकल जाती है। मुकाबला कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही होता है, वह सीपीआईएम और सारे कुछ पीछे पिछड़ जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ अध्याय जुड़ेगा जिसमें अमित शाह साहब आपको मुंह की खानी पड़ेगी, और इसके कुछ डिटेल्स और विकिपीडिया पे जाके पढ़ लीजिए यार कि पॉपुलर वोट जो थे कितने मिले थे और कितने कांग्रेस को मिले थे, बीजेपी का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। और उसी पर दावा करते हैं हमारे अमित शाह साहब बंगाल जीतेंगे, उस बंगाल को जीतेंगे जिस बंगाल से जीते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जिन्ना के पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिनको कश्मीर मामले का मंत्री नेहरू जी ने बनाया था, उसी नेहरू जी की आप बुराइयां करते करते थकते नहीं हो, तो कैसे जीत पाएंगे आप बंगाल चुनाव, जरा ये भी बता दीजिए। ममता बनर्जी ने आपसे ज्यादा बड़ी फील्डिंग सजा रखी है अपने अंगने में, कभी तो आओ अपने कंगना पहन करके ममता बनर्जी के अंगने में। ये आलतू फालतू की चीजें चलवा देना मीडिया के द्वारा, ये वाकई में ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एक फेक न्यूज फैला रहे हो। फेक न्यूज फैलाने वालों पर तो कार्रवाई हो जाती है, मैंने सुना कि सुशांत वगैरह के बारे में एक फेक न्यूज वाले ने पता नहीं कितने पैसे कमा लिए, लेकिन आप के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप तो खुद सरकार हो, अपने ऊपर कोई कार्रवाई करके दिखाओ या इस्तीफा करके दिखाओ अमित शाह साहब। क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट है अपुष्ट सूत्रों की, ओवैसी का ममता बनर्जी के साथ गठबंधन होने वाला है, उसकी एक वजह है ओवैसी को अपनी कौम से गालियां मिल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप जिता रहे हो। ओवैसी की यह मजबूरी हो गई है, बिहार चुनाव के बाद उनकी जिम्मेदारी बन गई है कि मुस्लिम कौम को यकीन दिलवा पाएं कि वो भाजपा के खिलाफ हैं। गेम तो बहुत अच्छा खेला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन उन्हीं की कौम उनसे सवाल पूछ रही है, ओवैसी ओवैसी तूने क्या किया? 21,000 करोड़ का मालिक ओवैसी, जिसने बिहार की फ्लड में आके हेल्प नहीं की, एक पप्पू यादव जो कंधे पे ढोता रहा राशन पानी, वो चुनाव हार गया। यहां भी कांग्रेस की कमी है, उसको मानने में मतलब वो नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को पुराने बुजुर्ग नेताओं को रिपीट नहीं करना चाहिए, काफी हो गया, नए लोगों को चांस दो, नाराज होके मत जाने दो। अब प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस की, कांग्रेस जो है बुजुर्गों को ही वहां का सब बना करके भेज देती है कि आप ही बनाइएगा कि सीट किसको देनी है, तो बहुत सारी कमियां कांग्रेस में भी हैं। ओवैसी कमियों को दोहराएंगे कि नहीं दोहराएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अमित शाह को लेने के देने ना पड़ जाए बंगाल चुनाव में, ये एक मेन पॉइंट है। जिस तरह के दावे कर रहे हैं ना, कहीं बेइज्जती करा के ना निकलें। अब ये बंगाल के चुनाव बताएंगे या पश्चिम बंगाल के चुनाव बताएंगे, ममता दीदी 211 सीटों से आगे बढ़ती हैं या 211 सीटों से नीचे गिरती हैं, ये आने वाला चुनाव बताएगा। ये हम देखते रहेंगे, समय समय पर इसका विश्लेषण हम करते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।